Hi everyone, so the moment of truth is here. You are already listening to the audio podcast and this is the episode 1. नाम के बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं क्योंकि काम होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वैसे ही इतना लेट हो गया स्टार्ट करने में. एंड इसके पीछे का मेन रीज़न पता है क्या था? कि मैं इंटरेक्ट करना चाहता था लोगों से. मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे डीएम में एंड देन कमेंट्स में कभी कभी. एंड पहले मैंने सोचा कि लाइव करते हैं, बट लाइव ना काफ़ी हैसल हो जाता था उसमें. कभी कभी कोई क्वेश्चन रह जाता था, फिर लोगों को बुरा लगता था. तो अब मैंने सोचा है कि स्टोरी में मैं क्वेश्चंस ले लिया करूँगा और नेक्स्ट जब भी पॉडकास्ट होगा मैं ट्राई करूँगा उन क्वेश्चंस को डिटेल में आंसर करने की. 30th ऑफ दिसंबर या 31st ऑफ दिसंबर को मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे और लोगों ने क्वेश्चंस भेजे थे. तो फर्स्ट पॉडकास्ट में हम उसी को आंसर करने की कोशिश करेंगे. और जितने लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थोड़ा सा डिस्क्लेमर ये रहेगा कि आप कोशिश कीजिएगा कि ईयरफोन्स प्लग इन करके सुने और ऐसे समय में सुने जब आप रिलैक्स्ड हो, आपके पास टाइम हो, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का टाइम हो. क्योंकि पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मुझे भी नहीं पता कि कितना लंबा जाएगा, है ना. तो हड़बड़ी में ये चीज़ देखने वाली है भी नहीं या सुनने वाली है भी नहीं. तो आप जब बिल्कुल रिलैक्स्ड हो तभी सुना करो. और इसका फॉर्मेट भी ऐसा ही रहेगा, जो फील रहेगी ना वो थोड़ी सी रिलैक्सिंग वाली ही फील में रखने की कोशिश करूँगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. और जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भी क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप भले किसी के भी सजेशन पे लाइफ में कुछ भी कर लो, मतलब आप किसी के भी सजेशंस लाइफ में ले लो, बट करना वही जो आपके हिसाब से सही हो, है ना. कहते हैं ना, सुनो सबकी पर करो खुद की, है ना. तो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है. क्वेश्चन है, हाउ टू हैव अ पर्सनल व्यू ऑन एनीथिंग विदाउट अनदर पर्सनस इन्फ्लुएंस. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या होता है ना, एक साइकोलॉजी में भी एक चैप्टर आता है जहाँ पे ये रहता है कि हम जब ग्रुप में होते हैं तो डिसीशंस लेना इजी हो जाता है. बट कभी कभी क्या होता है ना कि आप ग्रुप के डिसीशन से इन्फ्लुएंस हो जाते हो. तो कभी कभी जब आपको खुद का डिसीजन लेना है ना, तो आप सुनो सबकी, सुनो उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो डिसीजंस हैं, उनको नोट डाउन करो, एनालाइज करो कि आपके हिसाब से कौन सा चीज़ सही है. और प्रेशर में आके कोई डिसीजन मत लो, क्योंकि प्रेशर में लिया हुआ डिसीजन हो सकता है कभी फ्लूक में सही हो जाए, पर गलत भी हो सकता है. अगर लाइफ का कोई इतना बड़ा डिसीजन है तो उसको खुद से लेने की कोशिश करो. और मुझे लगता है वही सही वे है. आप खुद के डिसीजंस लोगे ना तो जब वो चीज़ अच्छा होगा, उस डिसीजन की वजह से जो काम अच्छा होगा, तो उसमें जो क्रेडिट है वो आपको मिलेगा, ठीक है. और बुरा भी होगा तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर पाओगे, ठीक है. बुरा होगा, आप उस चीज़ से सीखोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो ब्लेम भी आपके ऊपर ही आएगा. तो सबसे बढ़िया ये रहता है कि दूसरे से इन्फ्लुएंस हम ना हो. जो आंसर या जो सल्यूशन वो हमको दे रहा है उसको एनालाइज करें हम, और एनालाइज करने के बाद अगर उसका आंसर हमें सही लगता है या उसका सल्यूशन हमें सही लगता है तो फिर ठीक है, उसको अपना लेंगे. बट बिना एनालिसिस किए उसको, जस्ट किसी ने बोला है इस वजह से उसको एक्सेप्ट मत करो, ये मेरा मानना है, ठीक है. ठीक उसी तरीके से मैं इस पॉडकास्ट में जो भी बोल रहा हूँ उसको आप एनालाइज करो. आपको अगर गलत लगता है तो मुझे भी बताओ, कमेंट करके बताओ कि आपकी ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी, मुझे ऐसा लगता है. तो हो सकता है कमेंट्स में या फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं उस चीज़ को लूँगा, और अगर मेरी गलती होगी तो ज़रूर मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा. एक डिस्कशन होगा तो उससे एक जो एग्जैक्ट रिजल्ट है उस तरफ हम जाने की कोशिश करेंगे. तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपका आंसर हो गया है कि दूसरे पर्सन से इन्फ्लुएंस हुए बिना अपना एक पर्सनल व्यू कैसे रखें, ठीक है. कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, एंड द सेकंड क्वेश्चन विल बी,
ये न्यू ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ टू हील योर सेल्फ एंड फॉरगिव योर सेल्फ एंड ब्रिंग पॉजिटिविटी इन 2023। देखो, जितना मैंने फील किया है ना, हीलिंग इज अ प्रोसेस बट यू कैन नॉट फोर्स इट। आप ये नहीं कर सकते हो कि हाँ अब मुझे हील होना है, लेट्स गेट इन टू दिस प्रोसेस एंड हील माई सेल्फ, ऐसा नहीं होता है। हील आप टाइम के साथ होते हो, है ना, पर अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे ना आप हील होने के लिए, तो आप हो नहीं पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। हील होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो इंसिडेंट है आपके लाइफ में, बुरा इंसिडेंट, उससे हम दूर जाएं। और उससे दूर ना जाने के लिए, पता है, आप अगर कोशिश करो उसको भुलाने की, उससे दूर जाने की, तो आप नहीं जा पाओगे। द ओनली ऑप्शन इज डाइवर्ट योर सेल्फ इन टू अदर थिंग्स। खुद को डाइवर्ट करो, खुद की एनर्जी को डाइवर्ट करो, खुद के मन को डाइवर्ट करो। तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो उस चीज़ के बारे में सोचता रहता है। दिमाग मन इस सेंस में दोनों को एक साथ लेके चलो, हालांकि दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस है, पर एक साथ लेके चलो और दूसरी चीज़ों में खुद को बिजी रखो। अगर किसी चीज़ की वजह से कुछ तुम्हारे मन में दुख है, प्रॉब्लम्स है, पीड़ा है, कष्ट है, जो भी है, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस मत करो। और दूसरी चीज़ें ऑब्वियसली होंगी लाइफ में, वो चीज़ों पर ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा फोकस करो, कोई एक नया स्किल डेवलप करो, अकेले मत रहो। लोग कहते हैं कि यार दिन भर तो अकेले नहीं रहते हैं, बट रात को सोते टाइम तो अकेले होते ही है ना, तो दिन भर इतना काम करो ना कि रात में नींद आने लगे। एनर्जी जब बची हुई रहेगी तभी उस एनर्जी को तुम यूज़ करोगे उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए रात में। अगर तुम दिन भर इतना काम करोगे, तुम अगर थक जाओगे, रात को नींद आएगी ही आएगी। दिस इज़ प्योर साइंस। जब एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी में, नींद आएगी। और थोड़े टाइम ऐसे करने के बाद, फिर कहते हैं ना वक्त मरहम होता है, तो वक्त अपना काम करते रहता है। तुम उस चीज़ को छेड़ो मत, तुम अपने आप की एनर्जी को दूसरे चीज़ों में डाइवर्ट करो, एंड जो हीलिंग की प्रोसेस है वो अपने आप होती रहेगी। जहाँ तक रही पॉजिटिविटी की बात, तो जब आप लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों पे फोकस करके जब अच्छा काम करोगे ना, और डेफिनेटली जब अच्छा काम करोगे तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे ही आएंगे, और जब रिजल्ट्स अच्छे आएंगे ना, तो पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। ज़्यादा अकेले मत रहो, फैमिली के साथ रहो, बातें करो, और अच्छी चीज़ों में एनर्जी डालो। जब अच्छी चीज़ों में एनर्जी डालोगे, एक लंबे समय तक डालना पड़ेगा, ये ऐसी बात नहीं कि मैंने बोल दिया आपने कर लिया। ये चीज़ें बोलना आसान है, करने में टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा चीज़ों के लिए। तो जब आप एनर्जी सही चीज़ों में डालेंगे तो उसके सही आउटकम्स आएंगे, और जब सही आउटकम्स आएंगे ना, तो पॉजिटिविटी भी अपने आप आएगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आंसर हो चुका होगा। थर्ड क्वेश्चन विल बी, जब हमें कोई इग्नोर करे तो हमें क्या करना चाहिए? उसे हमें भी इग्नोर करना चाहिए या कुछ और? ओके, सो दिस इज़ अ ब्रॉड क्वेश्चन एक्चुअली। कोई आपको अगर इग्नोर कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका रीज़न ढूंढने की कोशिश करो कि क्यों इग्नोर कर रहा है। आप पहले उसका रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अगर रीज़न मिल जाता है तो ठीक है, फिर वो मामला सॉर्ट हो जाएगा आई थिंक। पर ये कोशिशें भी ना बहुत टाइम तक नहीं करनी है आपको, है ना। आप कोई आपका अपना है, वो आपको अचानक से इग्नोर कर रहा है, तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा, और कुछ टाइम के बाद रीज़न निकलेगा, है ना। एंड रेयर केस में अगर रीज़न नहीं निकलता है, आपने रिक्वेस्ट किया है अगले इंसान से कि बता दो, फिर भी वो इंसान नहीं बता रहा, तो फिर आई थिंक कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर फिर जाओगे ना, तो आप अपने आप को ही हर्ट करोगे, क्योंकि वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा होगा और आप उसका टाइम मांगोगे। फिर अगर बहुत ज़्यादा ऐसे मांगने वाली चीज़ें होती हैं ना, तो एक टाइम के बाद वो चीज़ें सेल्फ रिस्पेक्ट पे आने लगती हैं। और मुझे लगता है कि यार सेल्फ़ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई कितना भी प्यारा हो आपको, अगर वो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की इज़्ज़त नहीं करता, है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो एक टाइम तक कोशिश करो,
वो आदमी कितना इम्पोर्टेंट है, वो इंसान कितना इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से देखो। और सेल्फ रिस्पेक्ट पर जब आने लगे ना, तो छोड़ दो, सारे सवालों के जवाब वैसे भी ज़िंदगी में नहीं मिला करते। और कुछ सवालों के जवाब ढूंढने में जब अपनी लाइफ जो है ना वो अफेक्ट होने लगे, नेगेटिविटी आने लगे लाइफ में, तो वो छोड़ दिया करो। वो आंसर अगर कभी फ्यूचर में मिलना होगा तो मिल जाएगा। लाइफ बहुत लंबी है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एज इन इतना नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी उस चीज़ को लेकर अफेक्ट होने लगे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग वन। व्हाई वी लव समवन सो डीपली हु डोंट इवन केयर अबाउट आवर फीलिंग्स। ओके, ये तो सबके साथ होता है। क्योंकि आप जब किसी को प्यार करते हो ना, तो दिमाग से नहीं करते हो, और हो जाता है प्यार फिर। देखो, मैं वन साइडेड लव की बात नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट बिलीव इन वन साइडेड लव। वन साइडेड लव सिर्फ तकलीफ़ दे सकती है, ठीक है। हाँ, तुम किसी को लाइक करते हो, अच्छी बात है, बट ये मैं हमेशा, ये चीज़ पहले भी मैंने कई दफ़ा बोली है ये चीज़, कि वन साइडेड लव्स ये बॉलीवुड का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है ना, और इससे इंसान को सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है, इससे इंसान को कुछ नहीं मिलता। तो और वन साइडेड लव यार, लव होता ही नहीं। अगले बंदे को जब पता ही नहीं है, अगले इंसान को जब पता ही नहीं है कि यू लव देम, और अगर तुमने बोला कि आई लव यू और वो तुमसे नहीं करता प्यार, तो बात ख़त्म है यार, शुरू होने से पहले बात ख़त्म है। पर हाँ, अगर कोई करता था अब नहीं करता है, तो उसके जो भी रीजंस हो यार, दिक्कत यह है कि इमोशन जब दिल से निकलता है ना, तो हम दिमाग से सोचना बंद कर देते हैं। ये सारा हर्ट होने का चक्कर यहीं से शुरू होता है। दिमाग को हम इग्नोर करते रहते हैं, करते रहते हैं। सारा आपका कंट्रोल जो है ना, वो आपका दिल ले लेता है। दिमाग को पता होता है कि इस चीज़ में ये पॉसिबिलिटीज़ है, आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर दिल आपको इतना ज़्यादा इमोशन से जकड़ लिया हुआ होता है ना, कि उस टाइम के लिए आपको कुछ समझ नहीं आता। फिर अगर बाद में चल के चीज़ें ख़राब होने लगती है ना, फिर आपको लगता है कि यार ये मैंने क्या किया, फिर रिग्रेट होता है, अफसोस होता है। बट वही चीज़ दिमाग अगर पहले ही बोले, तो आप दिमाग को फुल इग्नोर करते रहते हो। दिस इज़ ह्यूमन टेंडेंसी, आप इसका कुछ नहीं कर सकते हो। पर हाँ, वही है कि एक बार चोट खाने के बाद दूसरी बार शायद आप थोड़े से होशियार हो जाते हो, पर कभी कभी यू कैन नॉट जस्ट कंट्रोल इट, नहीं हो पाता। अब जैसे मेरी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, उसके अकॉर्डिंग राइट नाउ आई एम इन अ सिचुएशन जहाँ पे मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें करने से क्या होता है। और सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई विल नॉट ब्लाइंडली फॉल फॉर एनी वन इन द फ्यूचर। आई थिंक सो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट खुद से तो नहीं होगा यार, क्योंकि बहुत झेला है। तो क्या ही बोलूँ इसमें, हम प्यार करते हैं, डीपली प्यार करते हैं, और वो इंसान हमारी केयर नहीं करता, और उसी इंसान से प्यार हो जाता है। बैड लक आई गेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि व्हाई गर्ल्स आर लूजिंग इंटरेस्ट स्लोली स्लोली। देखो यार, इट्स नॉट अबाउट बॉयज़ और गर्ल्स। ये बहुत गलत होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर जेंडर को ब्लेम करो, क्योंकि अच्छे बुरे लोग दोनों साइड होते हैं। मैंने बहुत गर्ल्स को देखा है बॉयज़ को ब्लेम करते हुए, मैंने बहुत बॉयज़ को देखा है गर्ल्स को ब्लेम करते हुए। देयर इज़ अ डिफरेंस। अब आप बोलोगे तुम भी तो गर्ल को ब्लेम करते हो। आई ब्लेम अ गर्ल, आई डोंट ब्लेम गर्ल्स। मैं सबको ब्लेम नहीं करता हूँ, आई ब्लेम दैट पर्सन, ठीक है। उसी तरीके से मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं बोला है कि लड़कियाँ ऐसी होती हैं। ये एक बहुत ही गंदा स्टेटमेंट है, या जो लड़कियाँ कहती हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, ये बहुत गंदा स्टेटमेंट है। इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे परिवार में भी लड़के हैं, तुम्हारे परिवार में भी लड़कियाँ हैं,
और ये बहुत ही एक इमेच्योर सा स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो गर्ल्स आर लूजिंग इंटरेस्ट, गर्ल इज नॉट लूजिंग इंटरेस्ट, दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर गर्ल, आप जब गर्ल्स कहते हो ना तो यू आर टॉकिंग टू द एंटायर कम्युनिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर कम्युनिटी, विच इज़ नॉट ट्रू। तो यार लोगों की बात है, कुछ लोग होते हैं जो बोर हो जाते हैं, वो शायद इतने अटैच्ड होते ही नहीं है आपसे जितना आपको लग रहा होता है, और नया नया जब किसी से बात करोगे ना तो सबको इंटरेस्ट आता है। कहते हैं ना नए खिलौने से खेलने में बहुत मज़ा आता है, बट उसी खिलौने से आप ज़िंदगी भर नहीं खेल सकते हो। तो कुछ लोग अपनी लाइफ में आए हुए लोगों को खिलौने जैसा ट्रीट करते हैं, दे प्ले विद देम, और जब उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, नई चीज़ें बचती नहीं है बात करने को, तो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उसी को आप जो कह लो, इग्नोर करना कह लो, इंटरेस्ट कम होना कह लो, या जो भी कह लो। तो आई गेस दिस इज़ द रीज़न, और ये लड़का लड़की दोनों के लिए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी समटाइम आई फील सो अलोन, और गुस्सा कंट्रोल नहीं होता हमेशा से, किसी से बनती नहीं है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये करना चाहूँगा कि मे बी देर इज़ अ प्रॉब्लम विथ योर सोशल स्किल्स। हो सकता है कि आप एक इंट्रोवर्ट हो, मुझे पर्सनली आपके बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं इंट्रोवर्ट हूँ रियल लाइफ में, एंड आई कैन फील दिस। आपकी अगर किसी से नहीं बनती है तो इसका मतलब ये है कि आपने कभी किसी से बात करने की, किसी और को समझने की कोशिश ही नहीं की है। आप हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हो। जब हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने से पहले एक बार दूसरे के नज़रिए से देखें कि वो इंसान क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, और इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है। सुनने की आदत डाला कीजिए, बोलने से पहले आप सुनिए, ये इम्पॉर्टेंट होता है, और हमेशा से बोलने से ज़्यादा सुनना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप अच्छा सुनते नहीं हो, किसी की बातें सुनने की आपकी क्षमता नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपको बोलने का भी हक नहीं है। बीइंग एन इंट्रोवर्ट, आपको सोशल स्किल्स डेवलप करनी चाहिए मुझे लगता है, और आपको जो है सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से करनी होगी, तो घर से शुरुआत कीजिए, घर के लोगों से बातें कीजिए, अपने फ्रेंड्स से बातें कीजिए, और ईगो को साइड में रखिए, ठीक है। किसी से बनती नहीं है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको ईगो आता होगा बीच में, आपको ये लगता होगा कि आप सही हो बाकी सारे लोग गलत हैं, जबकि हमेशा ऐसा होता नहीं है। सुनने की आदत डालिए, बात करने की आदत डालिए, और ईगो और बाकी सारी चीज़ों को साइड पे रखिए। धीरे धीरे टाइम लगेगा, बट आई थिंक कि आप कर लोगे ये चीज़, क्योंकि मैंने ये किया है, एंड आई हैव अ मच बेटर सोशल स्किल। आई थिंक इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, पर हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, एक सेकंड देना, मैं इस क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, हाउ टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। ओके, तो सबसे पहली बात तो पर्सनैलिटी का ना एक बड़ा गलत मतलब हमारी सोसाइटी में निकाला जाता है। पर्सनैलिटी से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हैविंग अ चार्मिंग फेस, अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, है ना, महंगे फ़ोन यूज़ करना, दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड दैट इज़ योर एंटायर पर्सनैलिटी, कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही गलत धारणा है ना। मुझे जहाँ तक लगता है, आपकी पर्सनैलिटी का वो एक हिस्सा हो सकता है, एक पार्ट हो सकता है, पर आपकी पर्सनैलिटी का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ना, वो होता है कि हाउ यू मेक पीपल फील अराउंड यू। आप लोगों से बात कैसे करते हो, लोग जब आपके पास आते हैं तो हाउ यू मेक देम फील। बाकी कपड़े, जूते, मोबाइल और बाकी चीज़ें, शो ऑफ वाली चीज़ें, वो अलग हैं, वो पर्सनैलिटी का हिस्सा हो सकता है, बट वो पर्सनैलिटी का 5% भी नहीं है आई गेस। अगर आप जेन्युइन साफ कपड़े पहनते हो, ठीक है, एंड जब आप बात करते हो लोग से,
तब वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं वो होती है आपकी पर्सनैलिटी, है ना। किसी की अगर चार्मिंग पर्सनैलिटी है तो बात करने का तरीका, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और ये सब चीज़ें आप कैसे डेवलप करोगे, तो एक सर्टन लेवल ऑफ नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशन आपको होना चाहिए। समाज में कैसे व्यवहार करना है ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं आती, ये धीरे धीरे आती है। कुछ चीज़ें आप सीखते हो, उसको बाहर जाते हो, लोगों के सामने उस चीज़ को यूज़ करते हो, फिर वो एक चीज़ होती है, फिर धीरे धीरे करते करते ग्रेजुअल प्रोसेस है, टाइम लगता है 6 महीने से लेकर साल भर तक अगर आप इस पर लगातार काम करो। और वैसे देखा जाए तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर आप जब काम करते हो, फिट रहा करो। फिट मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिम जाके सिक्स पैक बनाया करो, फिट रहोगे आप अच्छे दिखोगे, और उसके बाद अच्छे से बात किया करो। जो भी इंसान आपसे बात करने आता है, मे एकदम कंफर्टेबल अराउंड यू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। और उसको बैक करने के लिए नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। जब नॉलेज आपको आने लगेगा ना, तो जब आप लोगों से बात करोगे तो आपके पास एक्चुअली टॉपिक्स होंगे बात करने के लिए, या कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पर्सनैलिटी में, ठीक है। और सिर्फ किताबी पढ़ाई लिखाई नहीं, सिर्फ आंसर्स रटना नहीं, समझना चीज़ों को। आप जो कुछ भी पढ़ते हो उसके बारे में समझो, बुक्स पढ़ने की आदत डालो, अच्छे बुक्स पढ़ने की आदत डालो, या ऑडियो बुक्स आते हैं आजकल वो सब सुन सकते हो, है ना। पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऑडियो बुक्स आते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं, अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आते हैं। मैं तो रणवीर शो को सुनता हूँ, उस पर काफ़ी सारे अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं, वो जब बात करते हैं ना तो बहुत आपका मतलब बहुत सारे फील्ड का नॉलेज आपका डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सब किया करो, आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डेवलप होगी। इन्हीं का एक और क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर 2023, हाउ टू फोकस ऑन योर वर्क एंड आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग पीपल। तो लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि हाउ टू फोकस इन योर वर्क, तो फोकस ऑन योर वर्क। लोगों को ज़्यादा समझने की कोशिश मत करो, है ना, काम से काम रखो। और लोगों को समझना तब है जब उन लोगों से हमारा कुछ लेना देना हो, है ना। सबको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। और समझने की जहाँ तक बात है, तो जिम्मेदारी सिर्फ आपकी साइड से नहीं होती है, सामने वाले इंसान की भी ये ड्यूटी होती है कि वो आपको मतलब समझने का मौका दे खुद को। और कोई अपने आप को हाइड करके रखता है, वो चाहता ही नहीं है कि आप उसको समझो, तो आप नहीं समझ सकते हो, है ना। पर खुद की ईगो सबसे पहले आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। एंड डोंट फील बैड अबाउट इट, लड़कियों में ईगो ज़्यादा होता है इन जनरल, ठीक है। अब फिर आप बोलोगे कि आप ये बोल देते हो कि सब एक जैसे होते, नहीं, ये मैंने फील किया है और बहुत सारे लोगों से बातें हुई हैं, मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, लड़कियों में थोड़ा सा ज़्यादा ईगो होता है। डोंट फील बैड अबाउट इट, ये ऐसा ही बना है, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, पर आप मुझे समझने की कोशिश करो। मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, तभी बोल रहा हूँ। मैं बिना सोचे समझे और जाने कुछ नहीं बोलता हूँ। तो अगर आप एक लड़की हो तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को दिमाग में लेके ही चलना कि लड़कियों का ईगो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो किसी को समझने के लिए अपने ईगो को थोड़ा सा कम करना पड़ता है, खुद से अप्रोच करना होता है। तो वो करके देखो, कोशिश करो, आप समझ पाओगे लोगों को। तो बस जितने क्वेश्चंस थे सारे मैंने ले लिए, है ना। और ऑलरेडी 24-25 मिनट का पॉडकास्ट हो गया है, मुझे लगा था 10-15 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसको रैप अप करते हैं, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड डू लेट मी नो कि कौन कौन सी चीज़ें अच्छी की जा सकती है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एवर पॉडकास्ट है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप लोग थोड़ा कंसिडर करना, है ना। एंड जो भी सजेशंस हैं, डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स और इन इंस्टाग्राम DM और ईमेल ID मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मेरी इंस्टाग्राम ID पर भी आपको ईमेल ID मिल जाएगी,
और मैं ऐसा अभी सोच के चल रहा हूँ कि यहाँ जितने लोग भी देख रहे हैं वो इंस्टाग्राम से ही आए हैं, तो आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करना कि और किन चीज़ों पे बात करनी चाहिए, और मैं खुद से भी कुछ चीज़ों पर बात करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है थैंक यू सो मच दिल से, ठीक है। एंड प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अपना फीडबैक दे देना, बिकॉज़ मेरे लिए बहुत नई चीज़ है ये। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वॉचिंग एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखो, अपने अपनों का ध्यान रखो, ठीक है। थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड यस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।